हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका नई वीडियो में। और अभी ना शाम का टाइम व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का टाइम ये टाइम हो रहा होगा शायद, अब 6:30 का टाइम हो रहा है, स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह पता नहीं सुनील ने किया होगा या नहीं, वीडियो बनाई या नहीं, क्योंकि मैंने सुबह से आज व्लॉग नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे दिक्कत सी होती है। बीपी से ज़्यादा होता है, मेरे लो होता है मेरे को। और मैंने शाम का टाइम हो रहा, अपना दूध गर्म रखा, उबलने वाला होगा, आटा भी गूंध दिया, दूध भी रख दिया, और सब्जी हमारे कड़ी रखी। कड़ी पता नहीं कौन कौन खाएगा नहीं खाएगा, वैसे तो दिन में भी नहीं खाते हम कड़ी। दिन में खा तो लेकिन बस वो ये हल्के हल्के सी खाते हैं, क्योंकि वो ना ऐसी चीज़ है, दिक्कत करे मम्मी, जैसे मम्मी को करगी, चाचा को करगी, मुझे भी दिक्कत करती है कड़ी, तो इस टाइम तो खाएंगे नहीं। इस टाइम घी चटनी चलेगी हमारी, देसी, बिल्कुल देसी, नोनी घी और चटनी। और सारे के सारे ऊपर बैठे हैं अब। और शाम का टाइम हो रहा, गर्मी इतनी हो रखी है बहुत ही ज़्यादा, और सारे ऊपर बैठे हैं। मम्मी अड़ तो जाकर, मैं भी थोड़ी सी देर जाऊँगी, जब तक 7 नहीं बजते, 7 बजे आकर फिर रोटी सेकूँगी। 7 शायद बजने वाले होंगे, 10 या 15 मिनट रह रही बस। और गोली भी ऊपर है, फ़ोन देकर चली गई, लेकिन व्लॉग नहीं लिया उसने। एक बार दूध देख लो, कभी उबल जा मेरा दूध, बिल्कुल उबलने की ही कगार पे है दूध। और सुनील से परविंदर सब विदु तो अपने जल्द चढ़ा रही कुप्पी में। और हमारे ना गाय की आँख अब कुछ ठीक है कल से, कल ना हमने उसे खाने की दवाई दी थी और डाल भी बहुत बार दी, तो इस करके अब आराम है उसको। है देखो, ये देखो हरा घास खा रही है, और इस वाली आँख में देख, आँख दिखा बाबू अपनी, ये देखो अब तो कुछ आराम है। मैं ले नहीं रही, आँख दिखा, देखो अब तो बहुत आराम है। तो जी आज मैं स्कूल में गई थी और मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे से यही पूछ रही थी, विदुषी आ गई तू इतनी जल्दी, तेरे तो बहुत सारी चोट लग रही थी, दिखाइए सिर कितनी चोट लग रही। तो सबके एक ही रेस्पॉन्स था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी भी कोई इतनी ज्यादा केयर करा है, मेरी सारी फ्रेंड्स, और देखो मैं कितनी मोटी होगी, मेरे तो गाल भी चढ़ गए, 2-3 दिन में ठरली रहेगा, बिल्कुल मोटी होगी। और अभी तो बहुत दिन रहना है सही। तो जो देखो आज सुनील का नंबर पड़ गया, कितना भारी ले रहा रही हूँ, तो मेरे पे ठाई भी नहीं जाता, 2 तसले हो रहा बिल्कुल एक जगह इकट्ठा। तो जी ये देखो लाइट आ गई, और ये लाइट आते एकदम ऊपर से आ गए, पाइप घुमा ले, हाँ उस साइड घुमा ले पाइप, रुक जा, अरे कुछ ना ले घुमा दिया, चल चला, 4-5 दिन बक्के बाद आज हमारा समर सेविल चलेगा, 1 मिनट देख लो हाथ लगा, हवा नहीं आ रही इसमें, आ रही आ रही, आगे आगे आगे, हाँ आकाश नो कह रहा इसमें करंट तो लगता, कुछ नहीं होने का आ गया पानी, देखो कितना गंदा पानी आया, हाँ नहीं चल अंदर से देख, सरफ का भी आ रहा गंदा, कितना चीको कितना खुश हो रहा है, इस अभी बेचारे को हमने नुआया नहीं 4-5 दिन से कैसे रस्सी लाऊं। देखो बोलो शाम के टाइम बैठ कर अपना काम कर रही, और ये ना डायरी नोट कर रही, देखो अभी छत से नीचे चल रही। देखो चीकू को ना परविंदर के तौलिया पे सिर रख के सो रहा, वो तो आदमी को याद नहीं लगा, अंदर तो है भी कुत्ता, अभी दुआ देगा वो रात को इसे तौलिया को। और इधर शिवानी दीदी ने आटा मल रखा, अभी ये खाना बनाऊंगी। और देखो अभी मुझे लगभग 15 मिनट होगी, पर मैंने वो चार्ट चढ़ाया इस पर, क्योंकि कल ना हमारी कॉपी चेक होगी, देखो अभी जल्द चढ़ाऊंगी बाद में, ताकि इसका चार्ट जा गंदा ना हो। अभी डेकोरेशन तो उसमें मैंने कर दी, बस इतनी करूँगी, सिंपल सा ही रखूँगी, सो ज़्यादा वो नहीं करती, नहीं तो कल को मैम ना मतलब कॉपी चेक करना ही नहीं होता, मैम को मतलब पूरी चैप्टर चेक ही नहीं करना होता, पूरा कॉपी चेक करा है मैम, और बहुत पिटा है जो कवर नहीं होता। और देखो ये यहाँ से पाइप निकल गया, ये बहुत ढीला बंद रहा था, क्योंकि और वहाँ पे देखो पाइप से सारे को गिल्ला हो गया, इसमें ना वो सरफ का पानी आ रहा, वैसे देखने में तो साफ लगा, पर जब इसे उठावा ना पानी को ऊपर करके देखा तो नीचे ना झाग झाग से निकला। मैं गाय को नुहा रही थी, इस वाली को नुहाया था बस, और फिर पानी में पाइप ही निकल गया बस, फिर क्या नुहती। तो जी रोटी सेकने से पहले थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, और ये मैं लेके आई अभी ओआरएस का गोल, अच्छा लगता है, एक आदत सी बन गई, अब तो जब से तबीयत सी खराब थी
आदत से बन गई बस इसको पीने की। और चीकू देखो कितने आराम से परविंदर वाला था तौलिया लेके लेट रहा, आराम में ना गुस्सा कर रहा है। ओ चीकू क्यों लेट रहा, मारेगा तेरे परविंदर उसका तौलिया लेके लेट रहा तो वो हमें ही कहेगा सर क्या कहेगा, उस हमें ही कहेगा तो घर को उठा ही नहीं गया। और मैं तो अभी मम्मी मेरे को बुलाने गई थी ऊपर छत पे कि आ जाओ मैं रोटी सेक रही फिर खा लियो। और जितने मतलब चल मेरे से व्यक्ति नहीं ना चूल्हे पर ठीक ठाक सी रोटी बनानी चूल्हे वाली जली जली सी बनाऊँ, तो इस करके मैंने मम्मी मेरे को पहले कह कहा कि भाई आ जाओ खा लो रोटी सेक रही, तो मैं रोटी सेक के मिलूँगी आपसे। जब तक का देखते हैं ये बनाओगे नहीं बनाओगे वीडियो, इसकी चोटी नहीं हो रही ठीक। तो जो शाम का खाना मैंने खा लिया, अभी सुनील ने नहीं खा क्योंकि लाइट नहीं आई थी। सुनील परविंदर तो रह रहे मम्मी मैं अभी दो बोलो हमारे लेडीज़ डिपार्टमेंट लग रहा खाना खान, जेंट्स डिपार्टमेंट नहीं खा रहा। और देखो कैसे पथल रहा, उठ भी जब तो यो ना मौन व्रत रख रहा बोलता नहीं। अब देखो उसकी शिकल देखो कैसी लग रही। तो आज हमारा पाइप चला था, चुप रहना बिल्कुल बोलना नहीं किसी के साथ। और आज हमारा समर सेवल चला, उसमें से ना सरफ सरफ का पानी आ रहा है क्योंकि उसमें हमने सरफ डाला था ना नीचे, अगर वो नीचे खिसकाना हो ना मोटर तो उसमें ना सरफ की जरूरत पड़ती है सरफ के पानी की, तो उसकी महक आ रही है बहुत ही ज़्यादा। वैसे ही चला रखा था आधा घंटा तो चल भी गया, फिर भी उसी की आ रही है महक अभी। तो गाय तो हमने उस पानी से इनवा दी थी, अब टैंक भरेंगे बहुत भरेंगे, वो साफ पानी से भरेंगे थोड़ी बहुत देर और चलाएंगे उसको, फिर जब भरते हैं अपना टैंक। और आज ना देखो वही बात मैंने आज भी रात में तो खाना खा लिया। और हमारे यहाँ इतनी चीटी हो रही, इतनी चीटी हो रही, कोई बता दो इनका इलाज क्या है। वो लक्ष्मण रेखा से लगाते हैं उससे तो मर जाती है बेचारी, मरती है तो थोड़ा करते देखो हमें भी होती है। और अभी ना पौने आठ बजे अभी आठ भी नहीं बजे हमने तो खाना खा लिया। फिर वो ही है कि खाना खाते हैं ना लेट नहीं होता है, और लेटने के बाद आपको सबको पता है पेट में दिक्कत होती है। तो जी इस ब्लॉग का यही करती हूँ एंड, कल मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में गुड मॉर्निंग के साथ। बाय बाय।